इनको दो इनको दो लो जी अभी शॉर्ट्स को कहीं लगाई नहीं इसे बना दो इसे हाँ चलो ठीक है। हाँ जी आज ये देखो 9 फरवरी है, इलेक्शन के तुरंत बाद की बात है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। रामदेव जी के प्रोडक्ट रोड पे आने लग गए हैं अभी। ये देखो सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ, ये पतंजलि का प्रोडक्ट है दूध, ये देख लो। और ये नजबगढ़ से मेन सुरखपुर रोड के ऊपर पड़ा है, यहाँ से जंगल के अंदर, ये जिसको कुत्ते भी नहीं पहले, हजारों की संख्या में थैलियाँ पड़ी है, ये देख लो, ये देखो सब पूरा। और ये कूड़े का ढेर देख लो, अंतिम गहलोत भाजपा की निगम पार्षद है यहाँ। ये स्वच्छ अभियान का जो हिस्सा है मोदी जी का, ये स्वच्छ भारत है, ये देख लो, ये देख लो, किसी को ना दिक्कत हो महात्मा गांधी जी के चश्मे से देख लो, ठीक है जी। और ये देखो एक कुत्ते, ये कुत्ते भी सूंघ सूंघ कर छोड़ कर जा रहे हैं, कुत्ते भी इसको नहीं पी रहे हैं, जो आदमी के लिए दिखाया जा रहा है, ये देख लो, ये देखो ये रामदेव का प्रोडक्ट है। इजाकब ये इतना अच्छा प्रोडक्ट था तो इसको पीएमओ हाउस में क्यों नहीं भेज दिया, जहाँ सब्सिडी ले रहे हैं कैंटीनों में हजारों हजारों रुपये करोड़ों रुपये खा रहे हैं वहाँ से बैठ कर गए, वहाँ पीएमओ हाउस में भेज दो। प्रधानमंत्री जी को तो अमित शाह जी को जो और एनर्जी आ जाए उनके अंदर, इलेक्शन में बहुत झोंकी है इन्होंने एनर्जी, उल्टे सीधे इलेक्शन एलिगेशन लगा लगा करके। शाहीन बाग का मुद्दा तो इन्होंने इतना उठा दिया, बहुत अच्छा उठाया। ये पतंजलि का मुद्दा अब कौन उठाएगा, इतना अच्छा प्रोडक्ट क्यों बना रहा है बाबा रामदेव? अरे वो तो देशभक्त है, बाकी तो देश के गद्दार है, ये भक्तों का इतना अच्छा प्रोडक्ट और यहाँ रोड पे बिखरा फिरे, ये तो शर्म की बात है। असली देश के गद्दार देख लो कौन है, देश का गद्दारी कौन कर रहा है, जहर कौन पिला रहा है जो उनके, शुद्ध खाइए शुद्ध बनिए, जहर से बचिए मिलावट के जहर से। अगर ये मिलावट नहीं शुद्ध था तो यहाँ रोड पे कचड़े में क्यों आ गया, ये देख लो खूब अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह देखो जी, इधर दिखाओ, ये देख लो सभी भाई, हजारों की संख्या में पड़ी है ये थैली, हजारों की संख्या में, ये देखो और ये दूर तक देख लो, ए ये लो कहाँ तक बिखरी पड़ी है, ओ आगे तक पूरा दिखाओ, देख लो और आगे तक देख लो, बहुत ज्यादा है। एक छोटा हाथी है, एक